Hey guys, what's up? कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। तो दोस्तों अभी हो गए हैं सुबह रेडी और नहा धोवा के मस्त पूजा पाठ कर लिए। आज का लुक हमारा कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताना। मेरा बाल थोड़ा सही दिख रहा होगा, बस हमने एक दिन के लिए स्ट्रेट करवाया था क्योंकि बाल बहुत टेढ़ा हो गया था और हमको लगा कि हमको जाना है तो इसीलिए। बाकी आज का जो ड्रेस है ये बहुत ही सुंदर है, अगर आप सभी को लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। दोस्तों अब चलते हैं, बहुत सारा आज काम हो गया है जो कि आज हमको भी करना है। तो बाल वाल तो चलो ये तो बिगड़ जाएगा एक दिन में। अभी वहाँ जाना है अम्बाला में भी जाके वहाँ का सफाई करना है। यहाँ तो इतना सारा कपड़ा वगैरह जो हुआ था बिखरा पड़ा था वो सारा कुछ हमने सही कर दिया और जितना हम करते हैं उतना ही बताते हैं। तो हम कल रूम का सफाई किए तो रूम का ही हमने बताया हुआ था। बाकी अलमीरा भी उस दिन वो कर रहे थे, सही कर रहे थे तो वो सब चीज़ हम नहीं शूट कर पाए। अब खुद से ना लगता है कि पहले काम करें कि शूट करें, इसीलिए कैमरा पकड़ लेता है तो अच्छे से शूट हो जाता है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये वाला कपड़ा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही फोटोजेनिक है। इसका रेट आप लोग सुनोगे तो चौक जाओगे, इसलिए हम सोच रहे हैं आप लोग खुद जाओ और चेक करो इसका रेट। बहुत ही अच्छा प्राइस मिला हुआ है और अभी मीशो पे जो ऑफर चल रहा था ना हमने लिया हुआ था, अभी भी आप लोग ले सकते हैं, एक दो दिन तक तो रहता ही है। और सच में बहुत सुंदर है, इसका चुन्नी भी वाह है, कितना प्यारा है। तो देर मत करिए, जो भी लेना है आप लोग ले लीजिएगा। बाकी चलते हैं आगे और भी दूसरा काम है। हे गाइस तो अभी आप लोग हमारा रूम देख सकते हैं। अभी रूम थोड़ा सा ऐसे कुछ बिखरा ये नहीं है, अभी जस्ट सामान निकाले हैं और कपड़ा बस इनका ये ट्राउज़र है, बाकी सारा कपड़ा जो भी था अभी वो कर दिए हैं, फोल्ड करके अंदर रख दिए हैं। आप लोग को दिखाई देते हैं, इसके अंदर रख दिए हैं। और उसके बाद से हम पता है शाम के टाइम गए थे पार्लर में, तो पार्लर में गए थ्रेडिंग वगैरह बनवाया। थोड़ा सा आने में इनको टाइम लग रहा था क्योंकि इनको और भी कुछ दूसरा वहाँ पे काम कर रहे थे मतलब थोड़ी ही दूरी पे। तो तब तक हम सोचे कि चलो भाई मौका मिला है तो थोड़ा बाल को भी वो करवा देते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से करवाए हैं वो आप लोगों को बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत लोग बोल रहे हैं दीदी आप ना पार्लर गई हो तो वहाँ का वो मत करो, वीडियो मत डालना। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग का क्या है कि डेली व्लॉग है, जो भी होता है वो सारा कुछ दिखाते हैं करते हैं हम लोग, और हम जितना काम करते हैं ना उतना ही दिखाते हैं। हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ये काम हमने किया है या फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो चीज़ रहता है सामने है। और बहुत सारे लोग काम को लेकर बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, पार्लर गया था तो एक दिन बस पार्लर गए थे, अपने बर्थडे के पहले गए थे और उसके बाद से आप लोग को बता दें दिवाली और छठ में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, इसकी वजह से हम चले गए थे। और यहाँ पे उनको अपना पार्लर का शूट भी करवाना था तो इसलिए हमने बोला कि चलो भाई ठीक है कर देते हैं, क्योंकि वो भी मेरे बर्थडे पार्टी में आई थी, घर तक आई थी और की थी तो मेरा भी बनता है। और आप सभी को पता ही है कि दिवाली में इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है तो इसीलिए हम चले गए थे, क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ करवाना ही पड़ता अम्बाला में। और अम्बाला जाके तो मेरे को नहीं लग रहा है कि हम जा भी पाएंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को लेके भी लोग बोल रहे हैं कि मनीषा दीदी आपका एग्ज़ाम है, मतलब ऐसे इतना इज्जत से नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आप पार्लर में घूम रही हो, आपके घर में काम है आप पार्लर में घूम रही हो। भाई पार्लर में कितना देर रुक गए थे कि इतना प्रॉब्लम होने लग गया, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं हम, जो भी था हमने अपने वीडियो में दिखाया है और उसके बाद से बस नॉर्मल सा हमारा वीडियो है। अभी आप सभी को पता है कि हम एक दिन में 3-4 वीडियोस डालते हैं, लेकिन अभी हम खुद नहीं डाल रहे हैं वीडियोस तो उसका भी आप लोग को पता है रीज़न हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ मन नहीं करता है वीडियो शूट करने का, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी मेरे को बहुत सारा काम है, पैकिंग वैकिंग भी करना है और इसी बीच में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जा रहे हैं कभी कभी। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके लिए जवाब दें, कभी हमारे लिए कभी फैमिली के लिए कभी इनके लिए, बहुत सारी बातें हो रही है। चलते हैं थोड़ा मम्मी के पास, मम्मी बहुत सारा काम हम अभी किए हैं और बहुत ही सुंदर सा अपने पर्दा को यहाँ पे सजा दी हैं। दिख रहे हैं आप लोग ये वाला डिज़ाइन मम्मी बना रही है, कैसे ये कुछ इस तरह से डिजाइन, ये जब फर्स्ट टाइम देखे तो हमको लगा कि ऊपर से बांधने वाला है ये वाला, लेकिन ये पर्दा में ही बनाई है।
तो ये वीडियो में है, आप लोग भी बना सकते हैं, हम भी थोड़ा देख लेंगे, जाएंगे तो वहाँ वाला का भी वो कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा जो पर्दा हो जाता है ना उसको भी ऐसे काट सकते हैं तो सुंदर लगेगा। कटवाने की जगह आप यही कर देंगे, गैलरी के पास लगा है तो और सुंदर लग रहा है। ये ग्रे कलर का पर्दा यहाँ पर मम्मी लगा दी, यहाँ पर लगा देना पकड़ के, कोई झूमर जैसा या फ्लावर जैसा तो और खूबसूरत लगेगा। पहले ये वाला लगा हुआ था वो बांधने वाला है, अच्छा ये वाला टेसल्स जैसा है, ये पिंक वाले के साथ में पहले बांधती थी मम्मी। आप देखिए रूम में कौन सा लग रहा है, ये रूम का पर्दा था इस रूम का, मम्मी के रूम का। तो गाइस कितना सुंदर आ रहा है यहाँ से, ये जो कलर है ना बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे थोड़ा अलग ही दिखता है यहाँ का लोकेशन और यहाँ से बाहर भी अच्छा लगता है। यहाँ पे झूला भी है, झूला पे आराम से बैठ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे आराम से लेट के वीडियोस वगैरह मस्त बनेगा, लेकिन इस बार दिवाली पे हम नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे दिया जलाने के लिए हम लोग जाएंगे, तो मेरे को बार बार याद आ रहा है कि हम यहीं पे हैं, यहीं पे हैं, यहीं रहेंगे, तो यहाँ का तैयारी कर रहे थे। तो बस बने रहिए आप लोग, और आज ना आज मीशो का महासेल है, क्योंकि आज संडे है ना, तो इसीलिए आज महासेल है, तो जो भी चाहिए ना आप लोग जल्दी से फटाफट ऑर्डर करें। तो जो पार्लर का वीडियो है, पार्लर कैसे गए थे वो सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया, और बाकी वहाँ पे और भी जो जो चीज़ था वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करते, तो आप लोग ब्लॉग को देखिए और आप लोग भी इंजॉय करिए। तो दोस्तों जैसे ही मैं गई ना, तो इन्होंने बोला कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस है और वैसे टैनिंग भी हो गया है, तो इन्होंने बोला कि मैं आपका कर देती हूँ। बहुत अच्छे से करती हैं ये, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर करके इनका पार्लर है सिवान में, और आप लोग भी जाके करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, अच्छा करती हैं, काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, सारा सर्विस आप लोगों को मिल जाएगा, दुल्हन को भी बहुत अच्छे से रेडी करती हैं, तो जिनको भी जाना होगा ना आप लोग जा सकते हैं। गाइस तो फाइनली अभी बाल वाल हमारा देख सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेट करवा लिए हैं हल्का, देखिए हाँ अच्छा लगेगा, टेंपरेरी स्ट्रेट हो गया और बहुत अच्छा लगा, बाकी आप लोगों को बताते हैं फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आया है, कैसा ग्लो है, कैसा लगा आपको, और एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बताएंगे, क्या कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स मिला, वो सारा कुछ ना वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, बाय बाय, और आप लोग तो फाइनली आ गए घर, और थोड़ा सा ना बाल को इसलिए करवाएं क्योंकि बाल मेरा बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो ये बस जैसे ही सोएंगे और सुबह तक तो ठीक रहेगा, मतलब कल जाना है हमको, तो उसके लिए हमने सोचा कि यार घर पे करेंगे खुद से, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि ये हमको लाने के लिए गए तो ये कुछ काम भी कर रहे थे, तो टाइम था, तो तब तक हम बोले कि कर दीजिए आप लोग, तो वो लोग कर दिए और बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ बन गया मेरा, तो बस बने रहिए आप लोग, मेरी मम्मी के पास गए। अब बहुत अच्छा लगा, इतना रिलैक्स मिल रहा था ना जब वो कर रही थी, तो एकदम नींद आ रहा था, और बहुत अच्छे से हर स्टेप करती हैं, आनंदी दीदी को चाहे अंशु को चाहे कभी वो और भी लोगों को रेडी करती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो रेडी करती हैं दुल्हन को भी, तो इनके पास सारा सर्विस है आप लोग को मिल जाएगा, सिवान में ही है, महादेवा रोड तो मेरा घर सिवान में है इनका, और खूबसूरत ब्यूटी पार्लर इनका नाम है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं जाके विजिट, सारा सर्विस मिल जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। और चलते हैं, आप वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर करिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। अभी हमारे हेयर स्मूथनिंग के लिए भी वो बोल रही थी, बट हमने अभी बोला कि यार उसके लिए टाइम लेके आना पड़ेगा, तो देखते हैं आप लोग बताना कि मेरे को कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि पहले एक बार देखते हैं पूछ लेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं करवा सकते हैं, और हेयर फॉल का भी थोड़ा डर रहता है इसके वजह से। तो बस मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स को सारा शेयर करिएगा, और हाँ जिनको भी इनसे कॉन्टैक्ट करना है इनका नंबर दे देंगे, आप लोग इनके लिए कॉल करिएगा, जिनको विजिट करना होगा उनके लिए कॉल करिएगा, क्योंकि
बहुत सारे लोग ना उनको कॉल करके सिर्फ बोल रहे थे मनीषा दीदी से बात करना है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पार्लर जो चलाता है उसको कितना ज़्यादा काम होता है, तो इसीलिए जिनको विजिट करना है वही कॉल करेंगे।